तो हेलो तो आप देख रहे तो होगा उसमें क्या, क्या क्वेश्चन था वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा उस क्वेश्चन की वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक भी किया होगा तो ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा रोहित अंडर वर्मा टू के द्वारा इंस्टाग्राम के पोस्ट पर पूछा गया था अच्छा आप लोगों को पता नहीं मेरा इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करो आपको मेरा सीधा इंस्टाग्राम अकाउंट पे लेके जाएगा उसके बाद एक फॉलो वाला बटन होगा उसको ऐसे करके दबाने का कर, है ना नहीं दबाया फिर दबा दो एक ही बार दबाना वो जब तक ब्लू से व्हाइट नहीं होता तब तक दबाना ठीक है जैसे व्हाइट हो जाएगा उसके बाद छोड़ देना उसको है ना और तो क्वेश्चन था कि क्या कोई पैरल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है हा तो क्यों नहीं तो क्यों है ना तो ये करता भी होगा नहीं भी करता होगा क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं वैसे इसके ऊपर तो अगर करता होगा तो उनका एक और क्वेश्चन था उसके बाद कि अगर करता है तो कैसा हो सकता है उसका हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो चीज उन्होंने पूछा था तो इसका जो सिंपल एग्जाम जो आंसर है आपको वो कार्टून वगैरह में तो मिल ही गया होगा बहुत जब आप लोग बचपन में जो कार्टून देखते हो तो और आगे क्योंकि वो सब भी थोड़ा बहुत अब कुछ भी हो सकता है ना तो वहां पे जैसे कि हम लोग जैसे कि प्लेनेट हुआ ना वो भी एक प्लान हो ही सकता है जैसे कि कि मार्स में बोला जाता है है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी करता मतलब वो लोग के पास इतना हाई टेक्नोलॉजी है कि हम लोग को अभी तक पता नहीं चला कि मार्स पे कोई प्राणी है भी कि नहीं ऐसा भी तो सकता है उनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी हो जादू है ना तो हो भी सकता है उसके अलावा हम अच्छा उसके अलावा क्या हो सकता है अगर हम उनके प्लान में जाए तो उसके मुताबिक उस प्लानिट के रिलेटिव ग्रेविटेशन के मुताबिक हम उस प्लान से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं प्लान के जो ह्यूमन्स ह्यूमस या फिर एलियंस बोल सकते हैं उनको जो उस प्लान के एलियंस हो गया हम उनसे ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं उनसे बहुत ज्यादा वीक भी हो सकते हैं वो ग्रेविटेशन के केस में ले आ जाता है क्योंकि हमारे अर्थ जैसे कि हम लोग मून पे जाते हैं मून पे क्या देखते हैं कि हम लोग ऐसे जैसे कि कूद रहे हैं तो पूरा बहुत ज्यादा ऊपर कूद सकते हैं ना मून पे तो वो सब रिलेटिव ग्रेविटेशन का है ना तो बस बस आइए थोड़ा बहुत और उसके अलावा क्या पता कि हमारे जैसा कोई वहां पे मिल जाए या फिर हमारे एक जेंडर का मिल जाए जैसे कि हम मेल है तो हमारा कोई फीमेल वर्जन वहां पे मिल जाएगा उस प्लान पे या फिर हमारा अपोजिट एटीट्यूड वाला मिल जाए जैसे कि मेरे, हम यूट्यूबर है मेरा एजुकेशन चैनल है वहां पे भी वो यूट्यूबर होगा यूट्यूब का कुछ और नाम होगा क्या नाम होता तो है वहां पे यूट्यूब का एलिट्यूब एलिट्यूब एलिट एलियन प्लस यूट्यूब एलई अच्छा ठीक है तो एलई हो सकता है तो उसमें क्या उसका कोई गेमिंग चैनल होगा मेरा एडुकेशन जस्ट हो गया, है ना? उसका कोई गेमिंग चैनल होगा फिर मेरा इंस्टाग्राम उसका नहीं हो सकता है ना और उसमें आपने अभी अगर आपने से कोई देखा जिसने मुझे यहाँ पे फॉलो किया इंस्टाग्राम पे वहां पर कोई ऐसा हो सकता है आपका सेम बंद वहां पे क्या करेगा उसको अनफॉलो करके बैठा होगा हो सकता कुछ भी हो सकता है कुछ भी है ना तो इसका क्योंकि अभी साइंस से तो भैया बिना हम लोग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का कुछ बोल नहीं सकते है ना तो इस अभी तक तो रिसर्च चल ही रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि हम जितना बड़े यूनिवर्स को सोच रहे हैं हम जितना बड़े यूनिवर्स को सोच रहे हैं क्या पता उससे भी बड़ा कोई यूनिवर्स हो वो यूनिवर्स कुछ और एक यूनिवर्स का हिस्सा हो या फिर उससे भी बड़ा यूनिवर्स वो किसी और एक यूनिवर्स का हिस्सा हो जैसे कि स्टार्टिंग में क्या था हम लोग मानते थे कि हम जितना एरिया में रह रहे हैं बस उतना ही उतना ही दुनिया उसके बाद क्या हुआ जब अर्थ को एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि हमारे कॉन्टिनेंट के अलावा या फिर हम जहाँ पर रह रहे उसके अलावा भी बहुत सारी जगह उसके बाद जब आ, उसके बाद क्या माना गया कि अर्थ में ही सब है बस एक ही प्लान है या फिर एक ही चीज है वो अर्थ है अर्थ से जो है हमारा इधर ऐसा सिंपल ये जो है क्या स्टेशनरी अर्थन मूव कर रहा था वो ही हम लोग पहले माना गया था फिर जब हम लोग अर्थ से बाहर निकले तो हम लोग पता चला कि नहीं अर्थ से भी ज्यादा अलग कोई प्लानट है और आठ और सात उस टाइम तो आठ था ना अभी सात हो गया प्लूटो को मिला के है ना और फिर सन जो है वो स्टेशनरी और अर्थ मूव कर रहा है वो माना गया फिर अर्थ में जो अर्थ से फिर जो मून है वो उसका अलग है फिर सबका जुपिटर का, अलग मून हुई मून है, सब का।, का 67 है ना कितना जुपिटर का आपसे तो कमेंट कर बताना ठीक है शायद बढ़ गया होगा अभी बस खोज होते रहता बढ़ता जाता जुपिटर का मून बढ़ा है वैसे जब हम यहाँ तक पढ़े थे तब सिक्सटी सेवन था अभी बढ़ा होगा शायद कुछ हंड्रेड के अक्रॉस में आ गया था हंड्रेड या एटी के आसपास होगा वो आप लोग बताना ठीक है और फिर उसके बाद क्या हुआ फिर सोलार सिस्टम के बाद और ज्यादा रिसर्च हुआ तो और ज्यादा रिसर्च होने के बाद क्या पता चला कि मिल्की वे गैलेक्सी है फिर वो गैलेक्सी के अलावा और भी बहुत सारे गैलेक्सीज है फिर वो गैलेक्सीज भी मिलकर एक यूनिवर्स बनाते क्या पता वो यूनिवर्स जो हम लोग यूनिवर्स बोल रहे हैं वो ढेर सारा यूनिवर्स मिलकर और एक बड़ा जो है गैलेक्सी के अंदर का एक यूनिवर्स होगा एक बड़ा गैलेक्सी के अंदर फिर क्या पता वैसे ढेर सारा गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाएगा फिर वो यूनिवर्स मिलकर बहुत सारा गैलेक्सी कुछ भी बहुत सारा बहुत कुछ फैक्ट हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है फिर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा टेक्नोलॉजी कितना हाई है उन लोगों का टेक्नोलॉजी कितना हाई है ना तो ये तो आप लोग थोड़ा अपने माइंड से भी इसको सोचना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसलिए हमको लगा कि डालना चाहिए है ना तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछा करो क्योंकि जो छोटा छोटा जो आप सोचना कि हम ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन क्या है सब सोचने का तो ऐसा नहीं है कि, कि जो भी हमारा जो नया चीज का जो खोज होता है ना वो एक छोटा सा सोच से ही आता है जब तक आप जो है उठ पटांग नहीं सोचोगे तब तक कुछ नया इन्वेंट नहीं होगा ठीक है तो उठ पटांग सोचते रहो ऐसे बुक का भी पढ़ो और उठ पटांग सोचना भी चाहिए ठीक तो है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए है बाय बाय गुड नाइट है ना